बिजनेस तो चालू कर दिया है पर उसको ग्रो कैसे करूं, उसको बुलंदियों पे कैसे लेके जाऊं, कहीं से कोई टिप्स मिल जाए तो मजा आ जाए, कोई स्ट्रेटेजी पता लग जाए, कोई मंत्र पता लग जाए। अगर ये सब आप सोच रहे हैं ना तो मुस्कुराइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिलने वाली है। देखो दोस्तों, बिजनेस 50 लाख का हो चाहे 50 करोड़ का, चार एरिया में वर्क करना बहुत जरूरी है और उन चार एरिया के लिए आपको चार स्किल का डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो क्या है वो चार एरिया, कौन सी है वो चार स्किल, इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट, चौथा एरिया, चौथी स्किल, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है पहला, वो है पीपल मैनेजमेंट। ये क्या हुआ सर? सर अकेले नौकरी की जाती है, जब भी बिजनेस किया जाता है, व्यापार किया जाता है, आपके साथ लोग होते हैं, चार लोग हैं, 40 हैं या 400, आपको पीपल मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको बढ़िया हायरिंग करना आना चाहिए, उसका बढ़िया मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है इस एरिया में ध्यान देना पड़ेगा और आपको ये स्किल कि मैं बढ़िया से बढ़िया बंदा कैसे लेके आऊं और उसे ज्यादा से ज्यादा काम कैसे करवाऊं, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेकंड स्किल, सेकंड एरिया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सेल। सर सब कुछ सेल ही तो है, बिजनेस 50 लाख का है या 50 करोड़ का है, सेल ही तो डिसाइड कर रही है। जितनी ज्यादा कस्टमर उतनी ज्यादा ग्रोथ, तो कस्टमर को अपने पास कैसे बुलाएं वो है मार्केटिंग, और जो कस्टमर आपके पास आ गया उसको बेचे कैसे वो है सेल्स, और जिनको बेच दिया उनको रोके कैसे रखे, और जो रुके हुए हैं उनसे और ग्राहक कैसे लें, ये सब आता है मार्केटिंग और सेल्स के एरिया में। तो बिजनेस को ग्रो करनी है तो मार्केटिंग और सेल्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। मार्केटिंग क्या होती है आपको समझ में आना चाहिए, और सेल्स को दिनों दिन कैसे आगे बढ़ाएं, आपके सेल्स में लोग अच्छे कैसे हों, आपको दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। थर्ड, यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है, वो है फाइनेंस। सर पैसे कमाने के लिए पैसे पर पकड़ जरूरी है, कि आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है तो आ कहाँ से रहा है, कहाँ पे जा रहा है। जैसे क्रिकेट मैच का आनंद लेना हो और उसका एनालिसिस करना हो तो स्कोर कार्ड का समझ आना बहुत जरूरी है। इसलिए बिजनेस में भी आपका ग्रोथ प्रॉफिट क्या है, आपका नेट प्रॉफिट क्या है, कितनी सेल हो रही है, किस प्रोडक्ट से हो रही है, किस एरिया से हो रही है, किस तरह के लोगों से हो रही है, मार्केट में ज्यादा दे तो नहीं दिया, ज्यादा ले तो नहीं लिया, स्टॉक का रोटेशन ढंग से हो रहा है ना, पैसे टाइम से आ रहे हैं ना, ये जो कुछ की फिगर्स हैं ये आपको हमेशा पता होने चाहिए। फाइनेंस की इतनी सी पकड़ होनी बहुत जरूरी है, और ये स्किल अगर आपके पास है तो आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि बिजनेस कहाँ तक आ गया है, कहाँ पे जा रहा है, क्या डायरेक्शन है। और अब बात करेंगे चौथे एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। अब मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चलते हैं चौथे पॉइंट पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट और वही तय करता है कि आप 50 लाख में ही रह जाएंगे या 50 करोड़ तक पहुंचेंगे, वो है बिजनेसमैन का माइंडसेट। सर बिजनेस कुछ नहीं होता, जो होता है बिजनेसमैन ही होता है। अगर बिजनेसमैन में दम है तो बिजनेस में अपने आप दम आ जाता है। बिजनेसमैन क्या है, इंजन है, और बिजनेस पूरा डब्बा है। इंजन में अगर ताकत है ना तो बेकार डब्बों को भी खींच के ले आएगा, और अगर इंजन में ताकत नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया डब्बा, बढ़िया सेल्स, बढ़िया मार्केटिंग, बढ़िया फाइनेंस, बढ़िया प्रोडक्ट धरा रह जाएगा। अगर बिजनेसमैन में स्किल नहीं है, और बिजनेसमैन में स्किल नहीं, बिजनेसमैन में कौन सी स्किल होनी जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, हमने पीपल मैनेजमेंट डिस्कस किया, फाइनेंस डिस्कस किया, सेल्स डिस्कस किया, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले चीज पेशेंस। देखो जो बिजनेसमैन पेशेंस रखेगा, धैर्य रखेगा, लंबा गेम खेलेगा, लॉन्ग टर्म गेम खेलेगा, और जो व्यक्ति सोचता है शॉर्ट टर्म की, ये फटाफट चाहिए, तुरंत चाहिए, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, जो हताश हो जाएगा वो नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज है पेशेंस, कि जो लॉन्ग टर्म गेम खेले। दूसरा प्रिजर्वेंस, सर लगे रहना पड़ेगा, आप जब भी करोगे ना ऐसे ही थोड़ी सेल सेट हो जाएगी, ऐसे थोड़े लोग आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी प्रॉफिट आ जाएगा, बहुत लगा रहना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, खुद पर भरोसा चाहिए। जो आदमी कहते हैं हमसे तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूं, जो टीम है, जो प्रीत है, भाई मेरे से तो हो नहीं रहा है, मैं क्या करूं, जो रहेगा, जो रोएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो कहेगा भाई मैं इसे करूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं इसको ठीक करूंगा, वो जीत जाएगा। तो वैसा लीडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे और वीडियो के लिए आप कमेंट में यस लिख दीजिए।